वेलकम टू पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने डिस्कस किया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन तक। अब शुरू करते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है? देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट। एयर कंटेंट ऑफ सॉइल इज वॉल्यूम ऑफ एयर बेसिकली रेशियो है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड एयर कंटेंट एक्सप्रेस्ड। अभी तक हमने सब देखा कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेस करते हैं इन डेसिमल फ्रैक्शन। ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है। पता चलेगा एग्जाम में एयर कंटेंट पूछा आपने 50% 40% लिख के आ गए, नहीं आपको लिखना होगा एग्जाम्पल पॉइंट एक्स, ठीक है, नॉट एक्स परसेंट, ऐसे नहीं। ये होगी उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन एयर कंटेंट की। अभी कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। एयर कंटेंट वी ए ओवर वी ए प्लस वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब आप मुझे बता दो कि ये कभी वन हो सकती है? वन हो सकती है क्या? मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऐसा भी हो सकता है कि पानी नहीं है। तो अगर एयर कंटेंट वन है तो क्या हुआ? पानी नहीं है, सिर्फ एयर है वॉइड्स के अंदर, मतलब वो सॉइल क्या हुआ? ड्राई सॉइल। अगर एयर कंटेंट जीरो, जीरो हो सकता, मतलब एयर है ही नहीं, तो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉइल। अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है देखते हैं। नोट, एयर कंटेंट होती है वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और सैचुरेशन होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इन दोनों को ऐड करिए, एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड विच विल बी एलसीएम लोगे क्या आ जाएगी? वन। गजब हो गया, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन व्हेन एडेड गिव्स वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इस पर बेस्ड एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था 2016 गेट में, क्वेश्चन पूछा हुआ आपको, ये क्वेश्चन उसमें, उस क्वेश्चन में यूज करना था। और भी तरीके हैं जो क्वांटिटी पूछा था निकालने के लिए, लेकिन इससे आसानी से बन जाती। अब नेक्स्ट टर्म, सॉरी मैं अब नेम नहीं दे रहा हूं, सिर्फ टर्म बता रहा है। परसेंटेज, परसेंटेज एयर वॉइड, वॉइड्स, इसको रिप्रेजेंट करता है जैसे पोरोसिटी कर रहे थे, जस्ट सबस्क्रिप्ट में ए लगा देते हैं परसेंटेज,
इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दैट इज परसेंटेज इक्वल्स वी ए ओवर वी इंटू 100। ओके, देन ये जरूरी है कि इसमें मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स में, पोरोसिटी में, एयर कंटेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि सब एक जैसे है। तो वो रिलेशन क्या है देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? वी ए ओवर वी वी प्लस वी एस, या फिर एन ए परसेंट विल बी वी ए ओवर वी वी, सॉरी कुछ और लिखना था, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। ठीक है, एक चीज नोट कर लेते हैं। अगर एन ए परसेंट इक्वल टू जीरो है, 0% है, तो वो सॉइल होगी सैचुरेटेड, मतलब एयर है ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो, सैचुरेटेड। इफ एन ए, और एन ए क्या 100% हो सकती है? मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल कभी होगा कि सॉइल है ही नहीं, सब एयर है? ये सब डेटा आप अंदाजा लगा सकते हो, बड़ा आसान है। एन ए परसेंट के नॉट बी 100%। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी है टर्म की कि कौन सा टर्म क्या है। डेफिनेशन आपको पता है, आप ये सब रिलेशन जो है चुटकी का काम है। सो रेंज क्या हो गया? जीरो लेस देन एन ए परसेंट लेस देन 100%, ऐसे लिखेंगे। अब नोट, इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं, लेट्स डू इट। तो एन ए परसेंट विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इसको क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सेग्रीगेट करिए, वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सेग्रीगेट करने के बाद क्या मिल गया? ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या है, अभी तो पढ़े थे एयर कंटेंट, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम इंटू, ये क्या है, वॉइड रेशियो, सॉरी पोरोसिटी। हेंस इक्वेशन हमको मिल गया कि परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। तो ये थी थर्ड इक्वेशन जो याद रखनी है, थर्ड रिलेशन। और ये सेकेंड, फर्स्ट बताया था पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन, वो थी फर्स्ट, ये थर्ड। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज यूनिट वेट्स। ये वेरी बेसिक है, आप इसको ध्यान से समझिए कि यूनिट वेट होती क्या है। यूनिट वेट इज रेशियो ऑफ वेट ओवर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए बेसिक्स देखिए, ये वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा, क्या हो जाएगा, एम इंटू ए ओवर वॉल्यूम। ए हम जो लेंगे यहां पे लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो एम इंटू जी ओवर वी
अब ये जो टर्म है m ओवर v, ये क्या है? ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो, लिखा जाता है रो। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब रो। इस रो को हम कहते हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी। सो यूनिट वेट टेंड्स टू रो टाइम्स जी, रो जी। आया समझ में? ये यूनिट वेट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके या फिर आप ऐसे देख लो, केजी पर मीटर क्यूब इनटू इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से कट गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। सो गामा का यूनिट क्या हो गया? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, यही है। तो अब जो सबसे पहला टाइप ऑफ यूनिट वेट है, ये तो थी बेसिक फंडामेंटल्स। अब फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट वेट जो हम सॉइल में यूज करेंगे, टर्म वाइज देखते हैं। फर्स्ट है बल्क, बल्क यूनिट वेट, या फिर बल्क डेंसिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, दोनों एक ही है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये मोस्ट जनरल टर्म है। ओके, बल्क मतलब सभी को मिला देंगे। ये देखिए फेज डायग्राम, ये डायग्राम आप सॉइल, अगर आपको बढ़िया से करना है तो ये डायग्राम आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम बना के सॉल्व करना इस फंडामेंटल पोर्शन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको फेस डायग्राम समझ में आए। ये थी सॉलिड, ये थी वाटर और ये थी एयर। ठीक है, तो इधर लिखा था वेट, इधर थी वॉल्यूम, VA, VW, VS, WA, WW, WS, ये तो हो गई जीरो, नेग्लिजिबल ड्यू टू डेंसिटी इज वेरी लेस, हेंस गामा बल्क विल बी टोटल वेट ओवर टोटल वॉल्यूम। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी को, सभी का रेशियो ले लीजिए, वेट रेशियो वॉल्यूम विल बी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस इज टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम। और ये जो आपको क्वांटिटी मिल गई, ये हो गई गामा बी, गामा बल्क, बल्क मास डेंसिटी। तो इस गामा बल्क को ऐसे भी लिख सकते हो कि गामा बी इक्वल टू रो मास डेंसिटी बल्क रो इनटू जी, रो बल्क टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो जाएगी मास बल्क यूनिट वेट, और इसका यूनिट आ जाएगा आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये। ठीक है, ये थी मोस्ट जनरल फॉर्म। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट वेट है ड्राई यूनिट वेट।
इसे हम लिखेंगे गामा ड्राई ड्राई यूनिट वेट। ये क्या है? अब देखिए ड्राई है तो टू फेस सिस्टम है, फेस डायग्राम बनाइए। फेस डायग्राम बन गया सॉलिड, और ये ड्राई है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एयर। ओके, ये डब्ल्यू एयर, डब्ल्यू एस, वी ए, वी एस। सो गामा ड्राई विल बी वेट, तो वेट ऑफ सॉलिड ओनली ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर ड्राई यूनिट वेट देख रहे हैं और तो इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ सेट इज जीरो, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी जीरो, देन यू विल गेट ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल और ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, अब तो ड्राई यूनिट वेट आप कैसे निकालोगे किसी भी सॉइल का? लैबोरेटरी में आप करना क्या क्या, मिट्टी लेना और उसको ओवन ड्राई कर देना। तो ओवन ड्राई जैसे ही करोगे तो जितने भी वाटर होंगे सब इवापोरेट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या उसमें? एयर वॉइड्स एंड सॉलिड ओनली। सो दैट सॉइल आफ्टर द ओवन ड्राइंग व्हाट वी गेट इज द ड्राई सॉइल, एंड द वेट ओवर वॉल्यूम रेशियो ऑफ दैट सॉइल विल बी ड्राई यूनिट वेट। सो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड आफ्टर ओवन ड्राइंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताते हैं? क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इट इज ए ओवन ड्राइड सॉइल। ओवन ड्राइड सॉइल अगर दिया हुआ है तो कौन सा आपको यूनिट वेट दिया हुआ है? ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बार मिस्टेक हो जाएगा अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा यूनिट वेट दिया। आपको लगेगा कि बल्क है या फिर और कुछ है, तो और कुछ नहीं है। ओवन ड्राइड सॉइल अगर है तो उसका जो यूनिट वेट है वो है ड्राई यूनिट वेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू शुड मेक ए नोट ऑफ दिस। सो तो गामा ड्राई अब क्या बताता है? वेट ऑफ ड्राई सॉइल यही तो है, ओवर वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, ये हो गया ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट वेट कितना हो गया? वन टू, दिस इज थर्ड वन, सैचुरेटेड सैचुरेटेड यूनिट वेट। गामा सेट ये भी टू फेज फॉर्म में है, लेकिन सॉइल ऐसा है कि उसमें सॉलिड है और वाटर है। ठीक है, तो गामा सेट हो जाएगा सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल ओवर वॉल्यूम ऑफ सेट सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गामा सेट विल बी वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम सॉलिड प्लस वॉल्यूम वाटर। ये हो जाएगी गामा सैचुरेटेड।
अब एक चीज देखिए, नोट ये बहुत बार पूछा है कि गामा ड्राई क्या रिप्रेजेंट करती है। गामा ड्राई रिप्रेजेंट दी डेंसनेस। आपको ये सुनते ही आपके कान में बजना चाहिए वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो भी यही चीज रिप्रेजेंट करती है, डेंसनेस और लूजनेस ऑफ सॉइल। देखिए तो क्या होगा, अगर गामा ड्राई अधिक है मतलब वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम सॉलिड प्लस वॉल्यूम एयर। अगर गामा ड्राई अधिक है इसका मतलब क्या हो गया, वो सॉइल डेंस है, दैट इज डेंस। डेंसनेस विल बी मोर क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगी, कम होगी इस केस में, इसीलिए आपको डेंसनेस ज्यादा मिलेगा, सॉइल बहुत डेंस होगी। यहीं पे वॉइड रेशियो देख लीजिए, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर ई ज्यादा होता था तो सॉइल लूज होता था क्योंकि एयर का वॉल्यूम उसमें ज्यादा आ जाएगा। यही है, तो ई अगर ज्यादा होता था तो लूज टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि फ्री स्पेस या फिर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर ज्यादा हो जाती थी। अगर ई कम होता था तो डेंस सॉइल। आप एक रिलेशन यहां से बता सकते हो डेंसनेस के एस्पेक्ट में कि गामा ड्राई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो। अगर गामा ड्राई ज्यादा है तो ऑब्वियसली वॉइड रेशियो उस सॉइल का कम होगा क्योंकि वो सॉइल डेंस सॉइल होगी। अगर गामा ड्राई कम है तो उल्टा हो जाएगा, ई ज्यादा होगा क्योंकि वो सॉइल लूज सॉइल होगी। तो ये थी नोट। देखिए अब जो फोर्थ है, समर्ज यूनिट वेट, गामा समर्ज, ये आप समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें आ जाएगी और एक नया टर्म भी ऐड होगा। ओके, एक जनरल कंडीशन एज्यूम कर लीजिए कि सॉइल का थ्री फेस कुछ ऐसा है, ये सॉलिड, ये है वाटर और ये है एयर। अब ये सॉइल सैचुरेटेड है लेकिन पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, अब क्या करो कि इस सॉइल को पूरी तरह से सैचुरेटेड कर लो। सेकेंड स्टेप, मेक दी सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड। बाय डीपिंग इट इंटू वाटर बकेट। अब एक बार आपका सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगा तो फेज डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी।
सॉलिड, ये वाटर। ओके, एयर खत्म क्योंकि ये अभी सैचुरेटेड है। तो मान लीजिए कि जब ये पार्शियली सैचुरेटेड थी, इसकी पूरे सॉइल का वेट थी 10 किलो न्यूटन, और जब ये फुली सैचुरेटेड हो गई तो पूरे सॉइल की जो वेट है वो आ गई 15 किलो न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ, वेट क्यों बढ़ गया? ऑब्वियस सी बात है, इसमें वेट ऑफ वाटर ऐड हो गया ना, इसलिए वेट बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि जितना भी फ्री स्पेस था वो वाटर ऑक्यूपाई कर लिया, तो वेट ऑफ एयर तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसका वेट कम होगा और इस केस में वेट बढ़ जाएगी। ये क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब हमको पता लगाना है समर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जब ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गई, ये पेज, हाँ, अब क्या करो, नाउ डीप दी सैचुरेटेड सॉइल इन टू एनी वाटर बॉडी। ओके, जब ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गई, आपने जब उसको किसी बाल्टी में पानी के अंदर डाल दिया, तो वो फ्री स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया किसने, वाटर ने, तो इसीलिए इसका वेट ज्यादा हो गया। अब क्या करिए कि इसको फिर से डुबा दीजिए, नाउ डीप इट अगेन इनटू एनी वाटर बॉडी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये आपने सॉइल लिया, ये थी सॉलिड, ये थी वाटर, इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया आपने फोर्स मेजर करने के लिए, और ये पूरा का पूरा पानी है, वाटर। तो अब जो इसमें फोर्स आपको कैलकुलेट होगा, इसका वेट कितना था, 15 किलो न्यूटन, इसका कितना हो गया, ये मान लीजिए 13 किलो न्यूटन दिखा दिया। ऐसा क्यों दिखा दिया बताते हैं, आप जब इसका फोर्स मेजर करोगे तो आपको पता है एक फोर्स यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी इसको बोलते हैं एफ बी। ये एफ बी क्या है, एफ बी विल बी बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स, और ये एफ बी क्या होगी, विल बी वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। यही है वो न्यूटन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही होगी बॉयंट फोर्स।
ये मान लीजिए 2 किलो न्यूटन हो गई, तो आप जब फोर्स मेजर करोगे स्प्रिंग को यूज करके, आपको दिखाएगा 13 किलो न्यूटन। तो यही होगी सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये कम हो गई कि क्या, कि कितना कम होगी, अब ये देख लेते हैं। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, सॉरी हम तो सबमर्ज देख रहे हैं, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल विल बी वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस एफ बी बॉयंसी फोर्स। सो इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसे, डब्ल्यू सेट माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर से, डब्ल्यू सेट माइनस वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस किया है, सो अब इसको ये क्या है, डब्ल्यू सबमर्ज्ड। अब हम ये पूरे क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो डब्ल्यू सबमर्ज्ड डिवाइड अपॉन वॉल्यूम सॉइल, डब्ल्यू सेट ओवर वॉल्यूम सॉइल माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। सो ये वेट ओवर वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है आपको पता है, गामा। तो इसको हम लिखेंगे गामा सबमर्ज्ड, ये गामा सेट और ये वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जनरल क्या हो जाएगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। और ये जो गामा डब्ल्यू है इसे हम कहते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या होगा रो डब्ल्यू, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, मास ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड 1 in 1 m³ ऑफ एक 1 m³ ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये आती है 1000 kg पर m³। ये क्या है रो, रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू इक्वल टू 1000 kg पर m³। अब जी क्या होती है आपको पता है, 9.81 m² पर सेकेंड स्क्वायर। सो गामा डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.81 टाइम्स 1000 इक्वल टू 9810 न्यूटन पर m³। ओके इक्वल्स 9810 डिवाइड अपॉन 10^3 किलो न्यूटन पर m³, जो कि है 9.81 किलो न्यूटन पर m³। सो रो डब्ल्यू को हम जनरल यूज करेंगे, 9.81 किलो न्यूटन पर m³, जनरली किलो न्यूटन में होती है यूनिट। तो ये थी सबमर्ज्ड मास डेंसिटी और सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब और एक है यूनिट वेट, एक यूनिट वेट होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉइल सॉलिड, ओके सॉइल सॉलिड।
इसे हम लिखेंगे गामा सॉलिड, जो कि होगी वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, गामा सॉलिड इक्वल टू डब्ल्यू एस ओवर वी एस, सिर्फ सॉलिड का। मतलब ये वाला, ये देखिए, ये फेज डायग्राम है। मान लीजिए टू फेज, ये वाटर है, ये सॉलिड है। तो ये वाला वेट और ये वाला वॉल्यूम का अगर रेशियो लेंगे, जो डेंसिटी आएगी, जो यूनिट वेट आएगी, वो होगी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो अब बता दो कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा। सबसे ज्यादा होगा गामा सॉलिड, उसके बाद गामा सेट, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, और सबसे कम होगी गामा सबमर्ज। ये है रिलेशन ऑर्डर। एक नोट है, लिखिए, इसे मेंशन कर लीजिए। क्या होता है, जनरली गामा सेट इक्वल्स टू टाइम्स गामा डब्ल्यू, ये जनरल है। सो गामा सबमर्ज्ड क्या थी, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, सो इक्वल टू टू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू विच इक्वल टू गामा डब्ल्यू। सो गामा सबमर्ज्ड, और इसको ऐसे भी नोट करते हैं, एक हाइफन दे देते हैं ऊपर में, इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली गामा डब्ल्यू के बराबर होती है। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होती है उसी के बराबर होती है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, लगभग लगभग लगभग। अब एक नया नया टर्म आ गया, ये नया है, देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए ये दो तरह का होता है। एक होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और सेकेंड होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये है टू कैटेगरीज, देखते हैं इंडिविजुअली। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसको और भी नाम है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको अगर डिफाइन करूं तो इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ वेट वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड ऑफ सॉइल ऑफ ए
पर्टिकुलर, वॉल्यूम टू दी वेट ऑफ वाटर इक्वल टू सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कंसिडर्ड एट टेम्परेचर इक्वल्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करते हैं। तो ये है डेफिनेशन, ठीक है। इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देखेंगे, किस रूप में? तो देखिए, जी एस विल बी वेट ऑफ सॉलिड फॉर वॉल्यूम वी एस ओवर वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम वॉल्यूम वी एस ओनली, ठीक है। मतलब जी एस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ओवर वेट ऑफ वाटर, ये मान लीजिए फेज डायग्राम कंसिडर किया, इसमें एयर वाटर ये सॉलिड, तो ये है वो डब्ल्यू एस और ये है वो वी एस। तो ये डब्ल्यू एस को कंसिडर कर लो और यही वॉल्यूम का वाटर कंसिडर कर लो, वाटर वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी एस, उतना ही वॉल्यूम का वाटर का वेट को डिवाइड कर देंगे, और वाटर ऐसा हो कि वो 4 डिग्री के टेम्परेचर पे है, तो जो रेशियो मिलेगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी एस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ओवर वेट, एक जस्ट ए मिनट, जी एस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ओवर वेट ऑफ वाटर, अगर इसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड कर दें, वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड ओवर वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये जो वॉल्यूम है यही है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम है ना, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है सेम वॉल्यूम है, तो अगर इसको अगेन एक्सपांड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी गामा सॉलिड ओवर गामा डब्ल्यू, ठीक है। जी एस क्या होती है, गामा सॉलिड ओवर गामा डब्ल्यू, अब सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हैं, वो क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और
अपेरेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ही चीज है ये क्या? इट इज जीएम, इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू दी वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो इसका मतलब क्या हुआ? जीएम इक्वल्स वेट, सॉरी वेट हो गया, वेट ऑफ सॉइल ऑफ वॉल्यूम वी डिवाइडेड ओवर वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम वी। फेज डायग्राम बनाइए, मान लीजिए कि इस पूरे सॉइल का वेट है W, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है और क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड भी है। ठीक है, ये तीनों का वेट, मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब फिर से इसका वॉल्यूम है वी, ये वॉल्यूम, ठीक है, पूरे सॉइल का, तो इतना ही वॉल्यूम का वाटर ले लो, वाटर कंप्लीटली वी डब्ल्यू इक्वल्स वी एस इक्वल्स वी, सॉरी ये वी एस नहीं होगी, ये वी होगी। इक्वल्स वी, सो इन दोनों का रेशियो, ये वेट ऑफ वाटर, ये वेट ऑफ वाटर और ये वेट ऑफ टोटल सॉलिड का जो रेशियो होगा वो होगा गामा, सॉरी ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जी एम विल बी वेट ओवर वेट W, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करिए, वेट ओवर वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो क्या मिल जाएगी? तो जी एम इक्वल टू गामा बल्क होगा क्या, ओवर गामा W। और जो हम पहले पढ़े थे जी, वो होती थी ट्रू, ट्रू वाला, गामा ड्राई ओवर, सॉरी ये अगेन, गामा सॉलिड ओवर गामा डब्ल्यू, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जनरली क्वेश्चन में जो यूज होता है वो होता है ये, ओके, अगर मेंशन नहीं है, इफ नथिंग, जी टी इसको लिख लेते हैं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
कंसिडर, गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ट्रू, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेल लेट हाँ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? जी टी और जी एस जो भी है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मास। रीजन व्हाई? मैं ही लिख देता हूं, क्योंकि गामा सॉलिड हमेशा ज्यादा होता है गामा सॉयल या फिर गामा बल्क से, यही है उसकी रीजन बेसिक। ओके, लेट एंड विद दिस एंड वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स इन वेरी नेक्स्ट न्यू लेक्चर। थैंक यू।